ये एकता सहयोग समिति का 29वां वर्ष है और इस 29वें वर्ष में नयापन ये है कि हमने रावण का निर्माण किया है स्वर्ण कवच पहने हुए रावण का। हमने रामायण में देखा था राम जी के द्वारा जो तीर चलाए जा रहे थे और रावण अपने शरीर पर लगने नहीं दे रहा था और हाथ से झटकार के तीर गिरा दे रहा था नीचे बड़े शक्तिशाली तीरों को। इस बार हमने स्वर्ण कवच वो जो रावण ने पहना था वो स्वर्ण कवच वाला रावण का निर्माण किया है। इसके ऊपर जो गोल दिख रहे हैं पीछे वो उसके अंदर जाके अनेकों तीर लगेंगे, एक भी तीर शरीर में घुसेगा नहीं। बाकी रावण का अंत होगा तो वो नाभि से ही होगा, नाभि में जो रॉकेट लगेगा उससे। कल रात्रि 9:30 बजे का समय है उषागंज एकता सहयोग समिति का यहाँ SGHS ग्राउंड मैदान पर। ये इंदौर का एकमात्र ऐसा रावण है, मात्र 51 फीट ऊंचा है। ज़्यादा अपन झूठ लोग झूठ बोलते हैं 101 फीट और 111 फीट, यदि उनकी टेप डाल के नाप लिया जाए तो सब उनकी झूठ सच सामने आ जाएगी। इस रावण की 51 फीट ओरिजिनल हाइट हैगी और सिंगल वन पीस रावण है। जिस तरह से अपना शरीर वन पीस रहता है, अपने शरीर के अंदर मुंडी हाथ पैर पूरे एक साथ जुड़े हुए, पूरा गोल चारों तरफ से ऐसे ठोस है पूरा, ये आगे पीछे से ये नहीं कि अब सामने सामने दिखा हुआ और पीछे से पूरा पोला पड़ा हुआ है, उस टाइप नहीं, ओरिजिनल ठोस है और 1 घंटे जलता है रावण बिना गिरे हुए।